डाक कर्मियों के सेवक प्रधान डाकघर के डिप्टी पोस्ट मास्टर लालजी प्रसाद शनिवार को 60 वर्ष की सफलतापूर्वक लंबी सेवा काल पूर्ण करके सम्मान सेवानिवृत्त हुए। डिप्टी पोस्ट मास्टर के सम्मान में गोरखपुर मनोरंजन क्लब द्वारा विदाई समारोह का आयोजन प्रधान डाकघर में किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रवर पोस्ट मास्टर PVP मिश्रा, डाकघर के प्रवर अधीक्षक SN दुबे और डाकघर के अन्य डाक सेवकों ने डिप्टी पोस्ट मास्टर को अंग वस्त्र उपहार देकर सम्मानित किया। विदाई समारोह में छाया चौधरी, कुसुम दुबे, स्वाति शिव कुमार, इंद्र करण लाल श्रीवास्तव, अशोक गुप्ता, इंद्रजीत सिंह सहित प्रधान डाकघर के अन्य डाक सेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रधान डाकघर के सेवानिवृत्त डिप्टी पोस्ट मास्टर लालजी प्रसाद ने कहा। काफी अच्छे में अच्छे आते हैं। हर तरह के जो है सभी कर्मचारियों को गर्व महसूस करना चाहिए अपने कर्मों से, क्योंकि ये कहीं कहीं तो देखा जाता है तो समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं को जिसे जाना नहीं चाहिए। हर जगह आदमी संघर्ष से ही आगे बढ़ता है और आगे उसी की संघर्ष की ही से ही उसको सफलता मिलती है। क्या कह रहे हैं आज आपका शेरवानी हो रहा है ये किस तरह का है? मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सभी अधिकारियों और के आशीर्वाद, कर्मचारियों के सहयोग से मुझे निष्कलंकित सेवानिवृत्ति मिली है। बेहद मैं खुश हूँ और इसके लिए हम प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और अपने सभी साथी कर्मचारियों के प्रति भी कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि उन्होंने साथ साथ जो है मेरा साथ निभाया, सहयोग किया। मैं बेहद प्रसन्न हूँ और चूँकि एक परिवार है जहाँ 37 साल हमने गुजारा है इस डाक परिवार में, तो अब हम इस परिवार में कभी कभार आया करेंगे तो थोड़ी पीड़ा भी महसूस होती है क्योंकि यह एक परिवार है। कहूँगा कि हमारे जो साथी हैं समर्पित भाव से, सत्यनिष्ठा से सरकार के अपने जो ड्यूटी है उसके दायित्वों का निर्वाह करें, जिससे उनका मार्ग निष्कंटक हो, प्रशस्त हो और अच्छे दिन इसी तरह के सबको देखने को मिले। यह मेरी शुभकामना है उन सभी के प्रति। और निश्चित रूप से मार्ग तो कठिन है और आज और मार्ग कठिन हो गया है, लेकिन डाक कर्मी इतने बहादुर सिपाही होते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके वो अपने मंजिल को पा लेते हैं। सरकार तमाम नई योजनाओं को ला रही है, उसको एक चैलेंज के रूप में स्टाफ के अभाव के बावजूद, संसाधनों की कमी के बावजूद हमारे सभी भाई बहनें देवियां जो भी हैं सब लोग उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करके विभाग को दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ा रही हैं और हमारे सभी लोग मिलकर के बढ़ा रहे हैं। हमारे अधिकारियों का भी सहयोग रहता है और इस तरह से मैंने अपना ये डाक विभाग का जीवन यापन किया, हमेशा समर्पित होकर काम किया और कर्मचारी हितों का भी ध्यान रखा कि कर्मचारी हित और प्रशासनिक हित दोनों का समायोजन बना करके मैंने जीवन में कार्य किया है और मैं सबसे यही उम्मीद भी करूंगा। सफलता की यही कुंजी है, प्रशासनिक हित और कर्मचारी हित दोनों में सामंजस्य बना करके चला जाए तभी सफलता मिलने को है। लेकिन राह बहुत कठिन है, डगर लंबी है, इसलिए हम सबको उद्यत होकर के
अलर्ट होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ इस माहौल में, इस परिवार में, और मैं अपने सभी भाइयों को शुभकामनाएं भी देता हूँ।